ये बीमारी दस्तक देकर नहीं आई थी। इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया। प्रधानमंत्री ने बार बार आग्रह किया कि ये वक्त राष्ट्र को समर्पित करने का समय है, राजनीति करने का नहीं। फिर भी कांग्रेस, जो ऐसी महामारी के वक्त में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, उनको मेरा मात्र इतना ही आग्रह है कि जिस सरकार के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं, उस सरकार ने 1,76,000 करोड़ का गरीब कल्याण का पैकेज पहुंचाया। उनकी अपनी प्रदेश की सरकारें इस बात की गवाह हैं कि गरीब के घर तक न सिर्फ 3 महीने का, बल्कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए और भी राशन की सुविधा इसी सरकार ने मुहैया कराई। ये भी सत्य है कि छोटे व्यापारी हों उनके लिए फाइनेंशियल पैकेज की घोषणा की गई। ये भी सत्य है कि हाँ, ट्रेन, बसेस, प्लेन्स के माध्यम से चाहे हिंदुस्तानी किसी शहर में हो, चाहे विदेश में हो, उसको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। ये निश्चित रूप से स्वीकार किया जाता है मेरी ओर से, निजी तौर पर, कि हाँ, कुछ लोग आज भी इंतजार में हैं घर लौटने के लिए। लेकिन ये वक्त है जब एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी की मदद करे। तो आज मैं मात्र इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसी महामारी के वक्त अगर आप फिर भी अपनी राजनीति करने पर उतारू रहेंगे, तो राष्ट्र का हित आपके लिए सर्वोपरि नहीं है, इंसानियत आपके लिए सर्वोपरि नहीं है।